डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। 22 जनवरी देश व दुनिया के लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जहां सनातन धर्म के आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में विराजमान होंगे, वहीं मेरठ में भी श्री जागेश्वर धाम मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। श्री जागेश्वर धाम मंदिर दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक स्वस्थ कॉलोनी में बनाया गया है। यहाँ आज से प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भक्ति भाव से परिपूर्ण होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया। आज परम सानिध्य परम पूज्य स्वामी कनक प्रभा सरस्वती महाराज के परम सानिध्य में कलश यात्रा का शुभारंभ सरस्वती वाटिका एक्सटेंशन से ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुआ। इस कलश यात्रा का क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्प वर्षा और श्री राम परिवार के जय घोष से पूरा वातावरण राममय हो गया। कलश यात्रा का समापन श्री जागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में हुआ। यात्रा में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने कलश धारण किए हुए थे। सप्ताह भर चलने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियां भाग लेने जा रही हैं। मंदिर का निर्माण कैंट विधायक अमित अग्रवाल व उनके परिजनों ने अपने माता पिता की प्रेरणा से अभिभूत होकर किया है। मंदिर को बनाने में पूरे 11 साल लगे हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का समय वे दिन भी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी ही रखा गया है। कुल मिलाकर 22 जनवरी को अयोध्या के साथ ही मेरठ के सरस्वती लोक में भी एक अलग ही अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। आज इस मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। पहले देखिए कलश यात्रा। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने आज फर्स्ट बाइट और टीवी की टीम को जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। देखिए, 4 फुट ऊंचे शिवलिंग है, इतने ऊंचे। अब जनता अपना दान में डाल के जा रही है नीचे, तो एक मान्यता होती है 1 किलो पारा इसके नीचे अभी भरा जाएगा, पारे पे बैठेंगे महाराज। यहाँ गंगा जी, गणेश जी, नंदी सब चार तरफ जैसे लगे रहते हैं, उसमें रहेंगे। कुछ वजन का भी है, कितने है? ये हाँ, ये 1.5 टन का, 1.5 टन है। विधायक जी, इस मंदिर को पूरे बनाने में कितने साल लगे, कितना टाइम लगा? नहीं, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था भगवान शिव की इच्छा ये थी कि जिन्होंने मुझे रामेश्वर में कन्याकुमारी में मेरे को स्थापित किया है, तो वो राम जब बेघर हैं तो जब वो अपने घर में स्थापित हो जाएंगे तभी मैं भी यहाँ पर स्थापित हूँ। तो ये मंदिर का भवन तो बन गया था, लेकिन मूर्ति बनने में बहुत समय लगा। कारीगरों को जो हम बुक कराई थी, जिन्होंने बनाई हैं, उनको काफ़ी समय लग गया। और मंदिर ये भी कुछ अलग सी कुछ कला पर आधारित है। हाँ, ये मंदिर जो है, एक तो हमारे ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो नागर शैली में बनते हैं, लेकिन हम जागेश्वर जी गए थे नैनीताल से ऊपर अल्मोड़ा उत्तराखंड में हैं जागेश्वर भगवान, तो जागेश्वर भगवान में गए तो बड़ी शांति, बड़ा अलौकिक सा वहाँ दृश्य है। तो वहाँ के जो शिखर हैं मंदिरों के, वो जिस रूप के बने हैं हमने उसी रूप में शिखर आगे बनाया है। उसी दिन सोचा था इसका नाम जागेश्वर धाम रखेंगे। अच्छा। तो जागेश्वर धाम नाम रखा गया मंदिर का। कुछ कलर कॉम्बिनेशन में कलर, वही उसी कलर में जो पहाड़ी पत्थर का कलर होता है उसी कलर बना है। जागेश्वर में जग के ईश्वर 108 नाम है भगवान शिव के, वो 108 नाम यहाँ उकेरे गए हैं मुख्य द्वार पर, इस द्वार पर और इस द्वार पर सब शिवलिंग बने हैं, उसमें 108 नाम उनके, वो इसमें पूजन में चाहिएगा। 1 घंटा 150 किलो का है वो भार वाला। अच्छा,
इसकी आवाज़ जो है मंदिर के उस गेट तक जाती है, उस वाले की आवाज़ बाहर तक जाती है, कॉलोनी गेट तक जाती है। लोगों ने खुद बताया जिन्होंने सुना, 7 शिखर बने हैं। मुख्य शिखर ये है, उसके आगे हर खंड के ऊपर शिखर है और साइड में शिखर है, कुल मिलाकर 7 शिखर हैं पूरे। 7ों में ही कलश स्थापना होगी, मुख्य कलश इसके ऊपर रखा जाएगा। इसका पूरा प्रोग्राम क्या है? पूरा प्रोग्राम हमारा आज 15 तारीख से अनुष्ठान शुरू हुआ है। आज सबसे पहले पूजन हुआ और उसके बाद फिर गौ पूजन, गौदान हुआ, प्राश्चित गौदान हुआ, बछिया और गाय, और उससे पहले उसके बाद जो है फिर अब सायंकालीन पूजा का तैयारी है। तो पूरा 22 तारीख तक प्रातःकाल और सायंकाल दो चरण में ये पूजन होगा। इस प्रोग्राम में कौन कौन आ रहे हैं? इस प्रोग्राम में सबसे मुख्य बात तो ये है कि श्रद्धेय जगद्गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी राजेश्वर आश्रम जी हरिद्वार से पधारेंगे 22 तारीख को, उनके ही आशीर्वाद से और उनके ही करकमलों से भगवान शिव जी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन मान्य सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महामंत्री और अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री वो भी रहने वाले हैं। उससे पहले 19 तारीख को स्वतंत्र देव जी आ रहे हैं, 18 तारीख को केशव मौर्य जी आ रहे हैं और ब्रजेश पाठक जी भी एक दिन आएंगे अपने कार्यक्रम में से समय निकाल कर, और बाकी संजीव बालियान आएंगे, मंगल सिंह जी आएंगे। मतलब सब ने ये हमारे निमंत्रण पर ये समझा कि अयोध्या नहीं तो इस ऐसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन अनुष्ठान तो पूरे 8 दिन है ना। जिस दिन भी मंदिर के रज को छू लेंगे उसी दिन पुण्य लग जाएगा। तो अपना समय के मैं जैसे जैसे सबकी ड्यूटी लगी है, ब्रजेश पाठक जी की और उनकी ड्यूटी अयोध्या में भी लगी हुई है, लेकिन वो समय निकाल कर यहाँ भगवान का आशीर्वाद सबको मिल जाए। सबकी इच्छा है कि आ जाएँ, तो सब लोगों ने अपनी सहमति दिया है। यहाँ पर और मूर्तियाँ स्थापित, ये जाली जो है ये दौसा के कारीगर, राजस्थान दौसा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।